अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो मैं वीडियो शेयर करने वाली, बहुत ज़्यादा फेमस एंड बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल डिश है, साउथ इंडियन की फेमस डिश है, जो हम ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा ईजिली ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट का यूज़ किया। मस्टर्ड सीड एंड उड़द दाल, चना दाल, नमक एंड कुछ मटर और हरे धनिया, देन इसके बाद गाजर और हमारा सूजी, और इसके बाद मैंने 3 से 4 मैंने यहाँ पे प्याज का यूज़ किया है, फाइन चॉप, घी एंड हमारा जो पीनट है, मूंगफली दाना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एक पैन लेंगे, उसे हीट ऑन करेंगे, देन इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून घी, एंड घी को अच्छे से हम बिल्कुल मेल्ट होने देंगे और थोड़ा गर्म हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, आगे मैं बताऊँगी इसके इंग्रेडिएंट। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पीनट, जो हमारी मूंगफली है, इसे मैं कुछ मूंगफली ऐड किए। इसके बाद हम इसे क्रैक होने तक का इंतज़ार करेंगे, जब इसे पूरा भुन जाएगा तो अपने आप इसमें क्रैकिंग टाइप की एक आवाज़ आएगी, तो उस टाइम तक आपको वेट करना है, देन इसको रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पे आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है, देन मैंने रिमूव कर लिया। जो बाकी का मेरा घी बचा हुआ है उसके अंदर ऐड करेंगे हम अपने काजू। यहाँ मैंने 8 से 10 इसे हम ब्राउनिश या रोस्ट कर लेंगे, और जब हम घी में काजू को रोस्ट कर लेते हैं इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर, इसी कलर का आपको रोस्ट करना है इसको। इसके बाद जो बचा हुआ घी है हमारा, उसके अंदर जो हमारी सूजी है, इसे रावा भी बोलते हैं, इसे हम भून लेंगे। और आप बेस्ट है कि हम रावा को भून के ही यूज़ करें, इससे ज़्यादा टेस्ट हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है गाइस। तो आप मस्ट है कि हम अपने जो हमारा रावा है, सूजी है, इसे हम रोस्ट करके ही यूज़ करें। तो इस प्रोसेस को आप बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, और मैं आपको दिखाती हूँ ये लाइटिश सा गोल्डन इसका कलर आ जाता है, आप देख सकते हैं इसका लाइटिश गोल्डन कलर नीचे से आना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा बिल्कुल भुन चुका है। देन इसके बाद हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर अगेन हम 5 to 6 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे, और घी का मेल्ट होने का वेट करेंगे, और जो हमारा जो घी है वो अच्छे से गर्म भी हो जाए, मेल्टेड भी हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड, आपके पास ब्लैक मस्टर्ड सीड हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरे पास थी नहीं तो मैंने यहाँ पर येलो वाली ऐड की है, ये कुछ टाइम के बाद अपने आप ब्लैक हो जाएगी। इसके बाद उड़द दाल 1 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून ही हमारे मैंने यहाँ पे चना दाल यूज़ किया है, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर एंड टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इसका बढ़ जाता है। खाने में जब ये मुंह के अंदर आता है ना, तो ये बिल्कुल कुड़कुड़ा सा हो जाता है, जैसे नमकीन हो जाती है वैसे कुड़कुड़ी सी हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। आप इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करें अपने ब्रेकफास्ट में, बहुत ज़्यादा हेल्दीस्ट रेसिपी है ये साउथ इंडियन की, और इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, बिकॉज़ मैं कभी कभी इसे बनाती हूँ, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसके बाद यहाँ पे ऐड कर रही हूँ करी लीव्स, आपके पास फ्रेश हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट में ये अवेलेबल होती है हमारी। इसके बाद आप देख सकते हैं राई का यहाँ पर कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, लाइट ब्राउन कलर इसका आना स्टार्ट हो चुका है। देन इसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी राई की चटकने का, जैसे चटकेंगे इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट डाल देंगे। अभी हमारी राई चटकने स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑनियन जो हमने फाइन चॉप कर रखा था, इसे ऐड करेंगे, और इसे हमें नॉर्मली ही रोस्ट करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, और इसके बाद बाकी के हम अपनी वेजेस ऐड करेंगे। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी फाइन चॉप कैरेट, जो हमने गाजर को कट कर रखा था, देन इसके बाद हमारा आता है मटर पीस, और इसके बाद हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, और कुछ देर के लिए आप 2 से 3 सेकंड के लिए आप इसी तरह आप इसे कुक करते रहें। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 कलियाँ मैंने यहाँ पर लहसुन की ऐड किए, उसे फाइन चॉप करके, देन इसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ग्रीन चिली का यूज़ किया मैंने 2 से 3, और आपने जिस कटोरे से या जिस बाउल से आपने अपने रावा ऐड किया है, सूजी ऐड किए, उसी बाउल से मैं यहाँ पे 4 कप वाटर ऐड करूँगी, 4 बाउल वाटर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस मेज़रमेंट का आप ध्यान रखें, अगर आप 2 बाउल रावा ऐड कर रहे हैं तो आपको 8 बाउल आपको इसमें वाटर ऐड करना है। मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बनाएं तो आपका रवा जो उपमा होता है बहुत ज़्यादा यमी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है गाइस। और इसके बाद जो हमने मूंगफली को रोस्ट कर रखा था वो ऐड करेंगे, देन यहाँ पे हम कुछ देर के लिए से
इसे ढक के रख देंगे। यहाँ पे आप अपना सॉल्ट टेस्ट कर लेंगे, आपका सॉल्ट कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ पहले टेस्ट कर लेती हूँ गाइस, तो अगर आप ये काम करते हैं तो आप सही काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉइलिंग आने स्टार्ट हुई, आपको बॉइलिंग का वेट करना। जैसे ही आपके वाटर में बॉइलिंग आने स्टार्ट हो जाए, आप इसमें अपना रावा एंड सूजी ऐड कर लें। और इस टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लेम है गैस का बिल्कुल डाउन हो रहा है, नहीं तो आपका वाटर सूख जाएगा और आपकी सूजी कच्ची रह जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल फ्लेम डाउन होना चाहिए और इसे स्लोली स्लोली ढक के इसे कुक करें। देन इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑर्गेनो मसाले और धनिया की पत्ती ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसका टेक्सचर बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और देन मिक्स होने के बाद आप इसे 5 मिनट तक ऐसे ही ढक के आप इसे रिलीज़ दें। देन आफ्टर 5 मिनट के बाद आप इसे सर्व करें गाइस। और आप यहाँ पे टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यमीस्ट ये रेसिपी है, बहुत ज़्यादा हेल्दीस्ट रेसिपी है। और आप इसे ऊपर से थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है गाइस। आई होप कि आपने ये इन्जॉय किया हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और आप खुद बनाइए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया हो। तो गाइस आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। एंड नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखनी चाहते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।